रम रम सरन जुड़ के। और भैया आज है अमावस है, और अमावस है तो मैंने अमावस से निकाल दी है, और आज हो गई भाई कनागत खत्म, जो भी कोई हुई बोल चुके। तो आज हमारे यहाँ निकलती हैं 16 रोटी और भाई खीर और हलवा बना दिया था। तो भाई सभी की रीति रिवाज अपने अपने अलग अलग होती हैं, तो आज कनागत हो जाएंगे ख़त्म, कल भाई नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, कल है पहला नवरात्रा। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी नवरात्रे। अभी मैंने सारा काम हो गया मेरा ख़त्म, अभी जाएंगे थोड़ी देर में बाहर, देव का है कुछ काम, इसके बुक वुक लेके आनी है। और भाई बारिश नहीं, सब बुरा हाल कर रखे है, बस भुजो मना पालक वालक कुछ लगाया था, और ऊपर तो होगी बारिश, तो अभी जो भी ख़राब हो गया बारिश। और अभी चलो हमारा तो कुछ नहीं है और डाल देंगे, लेकिन भाई अभी आई हुई लावणी बाजरे बाजरे में इतना जोर जोर का पानी भरा हुआ है, तो किसान की तो बुरी आदि तो हो जा है। जब ये राम जी बरसना होता है ना, जब चाहूँगी भाई बरस जाए, जब तो बरसे नहीं। और अब देखो इतना पानी हो रहा है, इतना खेतों में जाकर देखो कितनी बुरा हाल होया पड़ा है। तो बने रहना व्लॉग में, लाइक करना शेयर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। हेलो गुड मॉर्निंग सभी को, और अभी देखो मम्मी क्या कर रही है। तो भाई यहाँ थी मैं किचन में, नाली थी, झाड़ू पोछा कर लिया था, सारा काम हो गया था, मतलब खाना बनाना बाकी था। तो यहाँ बना दिया मैंने हलवा, और हलवा तभी अच्छा बनता है जब कढ़ाई करना लग गया कती भी। तो ये होता है कि भाई हलवा एकदम अच्छा बना, देख लो आप सब भी, कढ़ाई का मड़ा सा भी नहीं लग रहा। और ये बना दी भाई मैंने खीर, और देव बना रहा था भाई आज वीडियो, और खीर हलवा बन गया है, आटा लगा दिया है, बस रोटी बनाऊँगी। और भैया 16 रोटी बना कर, और देव ने लाग रही थी यहाँ पे भूख, तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रही थी, और इसके पापा ने भी भूख लाग रही थी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन वैसे तो इतनी लेट तो ना उठी थी, लेकिन भाई 7:45 उठी थी, तो फिर सारा काम कंप्लीट करा तो इतना 10 बज गए थे। और यहाँ धो रही हूँ मैं तवा, क्योंकि भाई गाय की रोटी निकालते हैं तो सबसे पहले तवा धो के रखती हूँ, वैसे तो शाम ने धो दिया था, लेकिन एक बार फिर ऐसा ही है भाई कोई छिपकली विपकली, तो इसीलिए यहाँ पर अभी बनाऊँगी मैं रोटी। और व्लॉग किसे लग गया भाई बता दिया करो, कुछ कमी हो तो। और आटा मैंने लगा दिया था पहला, अब 10-5 मिनट रख दिया था, और अभी रोटी बनाऊंगी जल्दी जल्दी। फिर एक बार मैंने हमने बाहर भी जाना है, देव को कुछ काम है, तो फिर मैं लग रही थी अपना काम ख़त्म करने के लिए, और बहुत मुश्किल से देव ने वीडियो बनाई, क्योंकि बच्चे ना फ़ोन पकड़े खुश नहीं, और स्टैंड में मेरे को ये रहता भाई फ़ोन मेरा एक दो बार गिर गया है। तो बने रहने व्लॉग में, यहाँ पर लगा दी भाई मैंने रोटी, बना दी 16 छोटी छोटी रोटी, और ये खीर थोड़ा सलवा रख दिया कटोरी में ताकि ठंडा हो जाए। और ये बना रही थी मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी, तो ये बना दी भाई। तो ये भाई अपना गाय ना दे दिया करे रोटी, और भाई कई जगह ऐसा होता है कि भाई गाय ना हो तो भाई अपना कुत्ता बिल्ली ने डाल दे, जैसा भी टाइम होता वैसा ही निकाल लेना चाहिए, ऐसा कुछ ना होता। तो मैं तो खर गाय ना दे दूँगी, लेकिन अभी तो जाएँगे बाहर, तब गाय ने रोटी दे देंगे, तो आज तक काम चल जाएगा। तो ये साथ साथ में वीडियो बन रही थी, और अभी मैं लगा दूँगी रोटियाँ पे घी, और घी लगाने के बाद सारी रोटियाँ पे थोड़ा थोड़ा खीर थोड़ा थोड़ा हलवा ऐसे रख देंगे। तो ये रख दिया भाई मैंने सारी रोटी पे घी लगा दिया था, और ये 16 रोटी हैं जिस पे थोड़ा थोड़ा खीर और थोड़ा थोड़ा हलवा रख दिया, ये पानी का लोटा रख दिया। और भाई इसमें चाहिए तो चावल डाल लो, चाहे भाई थोड़े चीनी के दाने डाल लो, खाली पानी ना दिया करा सूरज ने देने के लिए रख रखा, क्योंकि आज एतवार है तो तुलसा में तो ना दिया जाएगा, लेकिन तो सारा काम हो गया है भाई, बच्चों को खाना भी खिला दिया है, गाय की रोटी भी निकाल दी है, जो कि मैंने आप सभी को दिखा दिया है, ये खा रहे हैं यहाँ पे खीर, और ये लगाई मैंने अपनी प्लेट, और सभी ने खा ली, बस मैं ही बाकी हूँ। तो भाई ये देखो खीर और दाल बनाई थोड़ी सी, क्योंकि सब्जी चाहिए इसके पापा ने, और हलवा भाई 2 रोटी, तो आप सब भी खा लो। वह पढ़ रहा है था देव, अब वो चला गया बाहर। और जी क्या हाल है, आजा आजा तेरे घर के नीचे खड़ी। और यहाँ पे आया हुआ था मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन, तो वो बोल रही थी, तो फिर उनसे बातें की, तो वही यहाँ लगा रही थी मैंने अपनी प्लेट, प्लेट लगाने के बाद आप सब भी खा लो भाई खाना। और बोल रही थी भाई बहुत दिन हो गए मिल ले, ऐसा ही चल रही थी, मतलब हंसी मजाक चल रहा था, तो आप सब भी वही खा लो खाना। ये यहाँ पर भाई लगाया था पालक, धनिया, मिर्च,
लेकिन ये देखो इतनी बारिश होगी कि मतलब ना उगे। और ये साइड में लगा रखी भिंडी, भिंडी तो भैया अब की बार खूब हुई, खूब खाई है, मतलब असल मीठा पानी है। और बारिश ने ये देखो पूरा यहाँ पर रुक ही नहीं रहा यार, 3-4 दिन हो गए, दिन रात। आज तो फिर भी थोड़ा सा लग रहा है कि धूप निकलेगी, तो भाई हर जगह ही बारिश बहुत हो रही है। और बाजरे का तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया, इतना पानी हो रहा है, कैसे लावणी होगी, खराब ही कर दिया है। और ये देखो पानी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो कितना पानी भरा हुआ है। ये घास इतना सुंदर था, अब खराब हो गया, उखाड़ूंगी इसको। तो चलो भाई बाय बाय।